नमस्ते, मैं वार्ड नंबर 14 से हूँ और मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। और मिस्टर गांधी के लिए प्लीज़ आप सब भी वोट कीजिए, क्योंकि हमारे को एक ईमानदार नेता चाहिए और वो बहुत अच्छे ईमानदार हैं। हमने जब वो नॉमिनेट भी थे तब भी उन वो लोगों के लिए खड़े रहते थे और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो प्लीज़ आप उनको मौका दीजिए और मैं भी उनको ही सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ उनको वोट देकर विजयी करें और वो एक बहुत अच्छे नेता हैं। हम गांधी जी के समर्थन में सभी वोट करेंगे, क्योंकि सोलन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नगर निगम का तोहफा दिया है और सोलन के आगामी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में सभी मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि प्रत्येक मतदाता और वार्ड नंबर 14 के सभी मतदाता आदरणीय नरेश गांधी जी के पक्ष में मत का प्रयोग करें, क्योंकि इन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं शहर के लिए वो सभी पूरे करेंगे। मेरी अपील रहेगी भाई नरेश भाई के लिए, वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी, और मैं यहाँ से भारी मेरी जनता से अपील है कि हमारे नरेश भाई को भारी वोटों से विजयी बनाना। मेरा नाम रमन गुप्ता है जी, मैं वार्ड नंबर 14 से मतदाता हूँ और हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है, योग्य कैंडिडेट जो है नरेश गांधी जी हैं, क्योंकि वो पहले ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो बिल्कुल काम करेंगे, सभी को पूछ के काम करते हैं। जब भी वो नॉमिनेटेड काउंसलर भी हैं अभी तक, तो वो जो भी काम करते हैं वो चार लोगों को पूछ के करते रहे हैं कि किसकी कोई भी समस्या हो, और उन्होंने जितनी भी उनकी शक्तियां थी उसके हिसाब से उन्होंने काम वार्ड में करवाया है, चाहे वो पेवर ब्लॉक हो कुछ हो। जैसे सड़क का आपने देखा ही है कि किसी और पार्षद के थ्रू सड़क हुई थी तो वो 20-22 दिन में टूट गई, तो उसका भी मुद्दा उन्होंने उठाया कि ये सड़क क्यों टूट गई है, ये हमारा पैसा लगा है, ये ऐसे नहीं टूटनी चाहिए। और हमारी पहले से डिमांड रही है कि सड़कें जो है पेवर ब्लॉक लगने चाहिए ताकि वो कई सालों की समस्या दूर हो जाए। ये जो समस्या तारगोल वाली सड़क है, इसमें तो ठेकेदार 2-2 साल में पैसे बनाते हैं जी, बार बार अपनी सड़कें बनाकर, सड़कों के चक्कर में टेंडर लगवा करके अपने पैसे बनाते हैं। पेवर ब्लॉक से पक्का काम हो जाएगा। तो अगर गांधी जी को हम चुनाव जिता के भेजते हैं नगर निगम में, तो अवश्य ही वो एक बहुत बढ़िया काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा वार्ड की जनता से कि इस बार गांधी जी को अवश्य मौका दें और आप देखें कि कैसे विकास की गंगा हमारे वार्ड में बहेगी। धन्यवाद। देखते रहिए हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी चैनल द सर्च रिपोर्ट न्यूज सर्विस TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।